हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसकी इकाई 2 आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं का आपका अध्याय 2 जिसका नाम है राजनीतिक संस्कृति। तो बच्चों, हम जो आपका अध्याय है राजनीतिक संस्कृति, उसके कुछ टॉपिक्स पार्ट 1 में पढ़ेंगे और कुछ जो टॉपिक्स बच जाएंगे वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय राजनीतिक संस्कृति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंश होती है, यानी कि अंश यानी एक भाग होती है। तो राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक भाग या एक अंश होती है, क्योंकि इसमें लोगों के राजनीतिक मूल्य व विश्वास ही शामिल होते हैं। राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होता है। यानी क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के घटकों को प्रत्येक देश में अंतर पाया जाता है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति के जो घटक है वो प्रत्येक देश में या बहुत सारे जो अलग अलग देश हैं उसमें अलग अलग होते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक अवधारणा है। अमूर्त का यानी कि जिसकी जो दिखाई ना दे, यानी कि जो जिसे हम देख ना पाए। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक अवधारणा है। अब हम देखेंगे बच्चों की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा है। तो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अपने शब्दों में अलग अलग शब्दों में व्यक्त की है। तो हम देखेंगे कि किस विद्वान ने किस प्रकार राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दी है, देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति को आमन ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, डेविड ईस्टर्न ने पर्यावरण, स्पीरो ने राजनीतिक शैली नाम से उद्धृत किया है, यानी कि वर्णित किया है और उन्होंने से बताया है। राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले आमंड और पावेल ने एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुक्तताओं की शैली है। एलन वॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार में उसे परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण, आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण और स्पीरो ने राजनीतिक संस्कृति शैली के नाम से इसको व्यक्त किया है या उद्धृत किया है। उसी प्रकार आमंड और पावल ने एक उसे क्या किया है, उसे एक व्यापक परिभाषा उसकी एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है। और उनके अनुसार क्या है, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति और उन्मुक्तताओं की शैली है। अब हम देखेंगे कि लुसियन पाई ने जो है वो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता तथा सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे अंतर्निहित विचार एवं नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सिडनी बर्बा के शब्दों में अब हम देखेंगे कि सिडनी बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो सिडनी बर्बा ने कहा है, या उनके शब्दों में, राजनीतिक संस्कृति में अनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है, यानी कि खत्म होती है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन कौन से हैं। राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय नाम के दो घटक है। तो राजनीतिक संस्कृति के दो घटक है, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। सबसे पहले हम देखेंगे अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ है प्रवृत्ति या झुकाव। आमंड और पावल ने अभिमुखीकरण के 3 घटकों या अंगों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। तो हमने देखा राजनीतिक संस्कृति के 2 घटक है, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। अब अभिमुखीकरण के भी 3
अंग है या तीन घटक है, जो है ज्ञानात्मक। पहला है कौन सा? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, अर्थात राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उनके अस्तित्व के प्रति सजगता। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण, अर्थात इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भावावेग और अनुभूतियाँ। तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, अर्थात उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित अनुचित या शुभ अशुभ का मूल्यांकन। अब हम देखेंगे दूसरा घटक राजनीतिक विषय। अभिमुखीकरण के चार विषय हैं। तो राजनीतिक विषय में अभिमुखीकरण के कितने विषय हैं? चार विषय हैं। पहली है राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, राजनीतिक संरचना कैसी है, समस्याएं कैसी हैं, नीति और समस्याओं के हल के लिए कौन कौन सी नीतियां चलाई जा रही है, बनाई जा रही हैं, और राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्त। तो ये हमने देखे राजनीतिक संस्कृति के घटक अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय और उनके भी घटक। अब हम देखेंगे बच्चों कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो तत्व राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है इतिहास, दूसरा होता है धार्मिक विश्वास, तीसरा होता है भौगोलिक परिस्थिति, चौथा होता है धार्मिक आर्थिक परिवेश, पाँचवा होता है विचारधाराएँ, और छठा होता है अन्य तत्व। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार इतिहास जो है वो राजनीतिक संस्कृति को निर्धारक है, या निर्धारक तत्व किस प्रकार है इतिहास राजनीतिक संस्कृति का। तो इतिहास किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यांकन प्रणालियों के द्वारा होता है। यानी किसी भी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण होता है वह उस देश की ऐतिहासिक, यानी उसको प्राचीन में परंपरा है, उसकी पुराने जमाने की जो प्राचीन परंपरा है, प्रचलित मूल्यांकन किस प्रकार की रही है, उनके मूल्यांकन की प्रणालियों के द्वारा ही होता है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी, तो वही अर्ध विकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक तथा अलोकतांत्रिक हो सकती है। यानी कि जो अर्ध विकसित देश है, जो विकसित नहीं हुए हैं देशों में क्या होगा, राजनीतिक संस्कृति हिंसक तथा अलोकतांत्रिक हो सकती है। और भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक या शांतिवादी लोकतांत्रिक होगी, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं और जो उनकी चलती जो प्रणाली आ रही हैं वो अच्छी थी, तो वहाँ पर ये अच्छी होगी। अब दूसरा है धार्मिक विश्वास। अब हम देखेंगे कि धार्मिक विश्वास जो होता है वो किस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व है। तो धार्मिक विश्वास वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्थाएँ व संस्थाएँ किस प्रकार की होगी इस बात को भी निर्धारित करते हैं। तीसरा है भौगोलिक परिस्थिति। तो हम देखते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति जो तत्व है वो किस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व है। तो भौगोलिक परिस्थिति देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या की प्रकृति की भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे विकासशील भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपीय अथवा अफ्रीकी देश से भिन्न होती है। अब हम देखें ये कि सामाजिक आर्थिक जो परिवेश है वो किस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करता है। देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि से भी राजनीतिक संस्कृति के प्रति निर्धारित होती है। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्य पूर्व के देशों की राजनीति पर भी पड़ता है। अब हम देखेंगे कि इनकी विचारधाराएं किस प्रकार राजनीतिक संस्कृति, जो अलग अलग विचारधाराएं होती है, जो पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, उदारवादी और मार्क्सवादी जो विचारधाराएं जो अलग अलग होती है वो किस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करती है, या उस किस प्रकार उसके निर्धारक तत्व है। तो विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद जैसे विचारधाराएं अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती है। उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त वैज्ञानिक और भी है, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग रूप से व्यक्त किया है, और ये मतलब अलग अलग देशों में क्या होता है, ये विचारधाराएं अलग अलग प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था पे अपना प्रभाव डालती है और राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होती है। चौथा है, छठा है
अन्य तत्व। इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज आदि भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। यानी जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसमें क्या, शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज आदि जो होते हैं वो भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, उसके घटक और उसके निर्धारक तत्व इत्यादि। बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।